हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पाइथन में एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। यूजर अपने इच्छा के अनुसार जो टेबल चाहता है उसको वो इंटर करेगा और उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन नाम का एक वेरिएबल लोगे। इन फंक्शन की मदद से हम जो यूजर इनपुट करेगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर हम एक मैसेज पास करेंगे, इंटर ए नंबर। अब हम फोर लूप का यूज करेंगे इटरेट करने के लिए, फोर आई इन रेंज जो 1 से स्टार्ट हो 11 तक जाए, क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग होता है। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, एन चाहते हैं। एन और कोमा के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फिर आई 1 2 3 करके इटरेट करे 10 तक। डबल कोटेशन के अंदर इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, फिर कोमा का यूज करेंगे, n into i मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को i से। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट आ रहा है इंटर ए नंबर। ये इंटर करने को बोल रहा है नंबर, 2 इंटर करूंगा तो ये 2 का टेबल प्रिंट करके दे देगा। 2 1 2 2 2 4 इस तरीके से ये 10 तक जाएगा और 2 का टेबल प्रिंट करके दे देगा। अब फिर दोबारा हम इसे रन करते हैं, ये हमसे बोल रहा है इंटर ए नंबर 10 का टेबल, इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे इसने 10 का टेबल प्रिंट करके दे दिया है। इस तरीके से आप पाइथन में एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं टेबल प्रिंट करने के लिए। अगर आपको इतना वेरिएबल यूज नहीं करना है तो सिंपल आप परसेंटेज फॉर्मेटिंग का यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप डबल कोटेशन का यूज करोगे और परसेंटेज डी, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई फिर परसेंटेज डी, उसके बाद इक्वल टू फिर परसेंटेज डी, डबल कोटेशन के बाहर आएंगे और परसेंटेज ऑपरेटर का यूज करेंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर आप एन जो कि नंबर होगा, उसके बाद आई जो कि इटरेट करेगा एक एक करके 1 2 3 4, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को आई से, एन इंटू आई। आप देखेंगे कि हमारा टेबल बन गया है। अब हम इसे रन करेंगे, आउटपुट आ रहा है इंटर ए नंबर 6 का टेबल चाहते हैं, तो इंटर करेंगे तो आप देखेंगे इसने 6 का टेबल प्रिंट करके दे दिया है। इसको हम दोबारा रन करेंगे, अब हम 12 का टेबल चाहते हैं तो 12 प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि इसने 12 का टेबल प्रिंट करके दे दिया है। इस तरीके से आप पाइथन में स्क्रिप्ट लिख सकते हैं यूजर के अनुसार टेबल प्रिंट हो। टेबल को आप फंक्शन की मदद से भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे और टेबल नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पर हम टेबल नाम से फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे जिसका आप टेबल चाहते हैं, जैसे कि आप 4 का टेबल चाहते हैं। अब आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि इसने 4 का टेबल प्रिंट करके दे दिया है। कॉलिंग करते समय आप जिसका टेबल प्रिंट करना चाहते हैं उस आर्गुमेंट को पास करेंगे, जैसे कि हम 15 का टेबल चाहते हैं। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने 15 का टेबल प्रिंट करके दे दिया है। ये टेबल फंक्शन कैसे वर्क करता है, सबसे पहले जहाँ पर हमने कॉल किया है ये फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा और ये फंक्शन बोलेगा कि मेरे पास एक पैरामीटर है, आप मुझे एक आर्गुमेंट दीजिए। तो ये आर्गुमेंट इस पैरामीटर पे जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा 10 तक ये एग्जीक्यूट होगा, और प्रिंट फंक्शन के अंदर आप परसेंटेज फॉर्मेटिंग का यूज करके आप टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।